पहलवान जंतर मंतर पर जमे हुए हैं डटे हुए। पिछली बार सरकार ने उन्हें 3 दिनों में मना लिया था, ये दूसरी बार आए हैं। पिछली बार जब वो आए थे तो 3 दिन में सरकार ने मना लिया था, फिर वो चले गए थे, वापस चले गए थे। लेकिन इस बार 3 नहीं 6 दिन हो चुके हैं और उसके बाद भी जंतर मंतर पर वो जमे हुए हैं। जहां एक तरफ पहलवानों ने अपने रुख को और कड़ा किया है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के रुख में भी नरमी नहीं दिख रही। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि धरने पर बैठने के बजाय किसी भी थाने में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते थे, इस पर कोई रोक नहीं। आइए सुनते हैं खेल मंत्री का क्या कहना। देखिए, पिछली बार भी मैंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से मिला, भारत सरकार की खेल सचिव मिली, हमारे अधिकारी मिले, मैं भी कई घंटों तक, 1 दिन नहीं 2 दिन उनसे मिला, उनसे बातचीत करके कमेटी का गठन किया गया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का, ओवरसाइट कमेटी का। उस कमेटी के सामने जितने लोगों को पेश होना था सबको अवसर दिया गया, और अवसर देने का मतलब यह कि जिसको जो भी बात रखनी थी वो रखें। जब ये कमेटी बनी, उस कमेटी में भी महिलाओं को ही ज़्यादा तादाद में रखा गया, और इसलिए था कि महिलाओं के सामने महिला अपनी बात खुलकर कर सकती है, और सबको अवसर दिया गया। अब उस ओवरसाइट कमेटी ने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी, वो पूरी रिकमेंडेशंस में जो एक पार्ट है उसमें ये भी था कि निष्पक्ष चुनाव हो, जो इनकी मांग भी थी खिलाड़ियों की। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को हमने वो अधिकार दे दिया, पहले भी ऐसा ही होता था, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन करती थी। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कल अपनी एक कमेटी भी गठित कर दी, एडहॉक कमेटी। अब वो एडहॉक कमेटी 45 दिन के अंदर चुनाव करवाएगी, नई संस्था को चुनेगी, एक रिटायर्ड जज उसके कराने के लिए नियुक्त किए जाएंगे, ये पूरी कमेटी वहाँ पर सिलेक्शन हो, टूर्नामेंट का आयोजन हो, उसको लेकर निर्णय हो, और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पर कोई भी खिलाड़ी हो, लड़का लड़की अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, उसका गठन भी करवा कर देगी। तो सारे कदम उसी दिशा में है, एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया जब कमेटी की रिपोर्ट आई उसके बाद जो जो कदम उठाने उस दिशा में कदम उठा रहे हैं। और जहां तक FIR की बात है, ये धरने पर बैठने से पहले भी या उस समय जब आंदोलन किया उस समय भी, उससे पहले भी आप किसी भी पुलिस स्टेशन पर जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते थे। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा ने कहा कि पहलवानों के धरने से देश की बदनामी हो रही है। उन्होंने गुरुवार को यह बयान दिया था, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। इसलिए ना हमारा एथलेटिक कमीशन है, वो लोग पहले थोड़ा तो डिसिप्लिन तो होना चाहिए, है ना। तो दे शुड कम टू अस अर्लियर इफ दे हैव अ रियल प्रॉब्लम, instead of coming to us they have gone straight away to street. No, it is not good for the sports, not ma'am, only for the residents. खिलाड़ियों ने इस पर क्या कहा वो आपको आगे जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आज खिलाड़ियों के समर्थन में कई और खिलाड़ी उतर आए। सुबह से ही सोशल मीडिया पर कई नामचीन खिलाड़ियों ने धरने पर बैठे खिलाड़ियों के प्रति समर्थन और सहानुभूति दिखाई। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने अपने खेल में देश का नाम रोशन किया है, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये कोई राजनीति से प्रेरित खिलाड़ी हो सकते हैं या इनके पीछे किसी का हाथ है, क्योंकि जो लिस्ट है वो जब मैं बताना शुरू करूंगा तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि ये तो बहुत ही सीरियस बात। इन्होंने भी पहलवानों के समर्थन में अपनी बात सार्वजनिक की। कौन है ये खिलाड़ी आपको जरा स्क्रीन पर दिखाएं। सबसे पहले ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा, ओलंपिक चैंपियन अभिनव बिंद्रा, मुक्केबाज निखत जरीन, क्रिकेटर कपिल देव, क्रिकेटर हरभजन सिंह, क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, टेनिस स्टार सानिया मिर्जा, हॉकी स्टार रानी रामपाल, और ये आज इन सब लोगों ने इन पहलवानों का समर्थन किया है अलग अलग माध्यम से। अब देखते हैं किसने प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों के पक्ष में क्या कहा। एथलेटिक्स में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले
नीरज चोपड़ा ने ट्विटर पर बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमारे खिलाड़ियों को न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर देखकर मुझे दुख होता है। जरा फुल फ्रेम चले जाते हैं ताकि आपको ठीक ठीक दिखे उन्होंने क्या। उन्होंने हमारे महान राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने और हमें गौरवान्वित करने के लिए कड़ी मेहनत की है। एक राष्ट्र के रूप में हम प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो खिलाड़ी हो या कोई और, की अखंडता और सम्मान की रक्षा के लिए जिम्मेदार। जो हो रहा है वो कभी नहीं होना चाहिए। ये एक संवेदनशील मुद्दा है और इससे निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निपटा जाना चाहिए। संबंधित अधिकारियों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। इतना स्पष्ट बयान। सरकार ने क्या कहा, पीटी उषा ने क्या कहा, वो हमने आपको पहले सुना दिया, लेकिन खिलाड़ी एक के बाद एक बाहर आकर के क्या कह रहे हैं वो आपको हम अब बता रहे। ओलंपिक चैंपियन अभिनव बिंद्रा, उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा, खिलाड़ी के रूप में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं। भारतीय कुश्ती प्रशासन में उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में हमारे एथलीटों का सड़कों पर उतरकर विरोध करना बहुत चिंताजनक है। मैं उन सब के साथ हूं जो इससे प्रभावित हुए हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस मुद्दे का हल सही तरीके से निकाला जाए और एथलीटों की चिंताओं को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से सुना जाए। हमें सभी एथलीटों के विकास के लिए एक सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण माहौल तैयार करने की दिशा में काम करना चाहिए। तीसरा बड़ा नाम, वर्ल्ड चैंपियनशिप में दो बार सोना जीतने वाली मुक्केबाज निखत जरीन, उनकी तरफ से बयान आया और उन्होंने ये कहा, हमारे ओलंपिक और विश्व विजेताओं को इस हाल में देखकर मेरा दिल टूट गया। खेल से जुड़े लोग गौरव और सम्मान लाकर देश की सेवा करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि कानून अपना काम करेगा और इस मामले में जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। जय हिंद। मशहूर क्रिकेटर और 1983 में भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाले कपिल देव, उन्होंने भी इंस्टाग्राम पर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया की तस्वीर साझा करते हुए लिखा है कि क्या इन्हें कभी न्याय मिलेगा। क्रिकेटर हरभजन सिंह, उन्होंने लिखा, साक्षी विनेश भारत के गौरव हैं। ये देखकर मुझे काफी दुख हुआ कि जो खिलाड़ी भारत के गौरव हैं उन्हें सड़कों पर उतरकर न्याय मांगना पड़ रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं कि उन्हें न्याय मिले। क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, उन्होंने भी ट्वीट किया और कहा कि बहुत दुख की बात है कि हमारे चैंपियंस, जिन्होंने देश का बड़ा नाम किया है, झंडा लहराया है, हम सबको इतनी खुशियां दी हैं, उन्हें आज सड़क पर आना पड़ा। बड़ा संवेदनशील मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उम्मीद है खिलाड़ियों को न्याय मिलेगा। मशहूर टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा, उनका बयान क्या है आपको वो सुना है। एक एथलीट, उससे भी ज्यादा एक महिला के रूप में ये देखना बहुत मुश्किल है। उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है और हम सभी ने उन पर उनके साथ जश्न मनाया। यदि आपने भी ऐसा किया है तो अब समय आ गया है कि उनके साथ मुश्किल के समय में खड़े हों। वो पहलवानों की बात कर रहे हैं। ये बेहद संवेदनशील मामला है और गंभीर आरोप है। उम्मीद है आज नहीं तो कल इन्हें जरूर इंसाफ मिले। हॉकी स्टार रानी रामपाल धरने पर बैठे खिलाड़ियों के समर्थन में उतरी हैं। उन्होंने ट्विटर पर एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा, अपने साथी खिलाड़ियों को इस अवस्था में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा। पहलवानों ने अपने परिश्रम से देश के लिए कई मेडल्स जीते हैं। पहलवानों के साथ उचित न्याय होना चाहिए। वहीं इन सब के बीच इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस ने आखिरकार कहा कि वो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करेगी। लेकिन पहलवान जंतर मंतर के अखाड़े पर जमे हुए हैं। उनका कहना है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी तक धरना जारी रहेगा। उनका कहना है कि ब्रिजभूषण को सभी पदों से हटाया जाए। पहलवानों का ये भी कहना है कि उनको दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं। क्या कहा पहलवानों ने, आइए सुन। रहा
बात है खुशी है। खुशी तो क्या होगी, अभी तो बहुत लंबी लड़ाई है। ये तो बस एक छोटा सा पार्ट है हमारी लड़ाई का। जो FIR पहले दिन हो जानी चाहिए थी, या जो FIR कमेटी वाले लोगों को करवानी चाहिए थी, वो FIR के लिए हम इतना संघर्ष कर रहे हैं। तो हाँ, थोड़ा सा एक उम्मीद जग रही है कि हाँ, हमें न्याय की तरफ हमारा कदम बढ़ा है, न्यायपालिका हमारा सुन रही है, हमारा सम्मान कर रही है, वो समझती है महिलाओं का मुद्दा। तो वही है कि थोड़ा सा साक्षी, आप कल इंटरव्यू ने जो बयान दिया था उसका मैंने आपको रोते हुए देखा, ये आपको बतौर खिलाड़ी उनका बयान में आपत्ति? देखो, बड़ा दुख हुआ कल। हम स्ट्रांग होके लड़ रहे हैं यहाँ, और फिर एक खिलाड़ी, वो भी महिला खिलाड़ी होते हुए, उन्होंने एकदम ऐसा बयान दिया तो निराशा हुई। मतलब ऐसे इमोशनल भी हुआ कि महिला खिलाड़ी होकर एक महिला खिलाड़ी का दर्द नहीं समझा उन्होंने, तो जो कि हम बचपन से उन्हें फॉलो करते आए हैं। मुझे नहीं पता क्यों उन्होंने ऐसा बयान दिया, शायद उनको अभी पद मिला हुआ है, उसके प्रेशर में है वो, क्योंकि जब वो खिलाड़ी थे खुद उन्होंने अपनी एथलेटिक फेडरेशन से लड़ाई की थी, उनके खिलाफ विरोध किया था, तो अभी पद मिलने के बाद सडन उनको क्या हो गया है? तो अभी आपको लगता है कि, क्योंकि मैंने विनीत से दो दिन पहले जब बात की थी तो उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ FIR से हम मानते नहीं हैं जब तक वो उन अरेस्ट नहीं होते हैं या सांसद ही उनकी नहीं जाती है, उनको नहीं हटाया जाता है, तब तक आप नहीं मानेंगे। आपका ये स्टैंड अभी भी है और ये अगले 7 दिन रहेगा? हाँ जी, बिल्कुल स्टैंड यही है, और जो विनेश ने बोला वही बात है कि उनको, उन्होंने इस्तीफा दो, और अगर फिर निष्पक्ष जाँच हो, अगर वो क्लियर निकलते हैं तो वापस अपनी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस्तीफा तो देना चाहिए उनको। और ये जो कहा जा रहा है कि कुश्ती संघ को लेके आप लोगों को शिकायत थी, उस पॉलिटिक्स से आपको नहीं लेना देना? कुश्ती संघ के अध्यक्ष के पद से, या आप लोग चाहते थे कि कोई और हो? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी, हमारी लड़ाई तो सबसे पहले यही थी, हम इतनी गंदगी में नहीं घुसना चाहते थे, इतने आगे हम बढ़ना ही नहीं चाहते थे। हमने सिर्फ एक मांग की थी कि हमारा जो रेसलिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट वो चेंज किया जाए, कोई और बिठाया जाए जो समझ सके, तो वो भी बात नहीं मानी गई, तो इसीलिए हमें इतनी आगे तक बढ़ना पड़ा। अभी 7 दिन क्या प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा अगले 7 दिन? कुछ नहीं सर, इधर ही बैठे हैं हम, इधर ही सो रहे हैं, इधर ही खा रहे हैं, कोई प्लान नहीं है अभी। जितना जो आपको अभ्यास करते देखा वो बड़ा डेंजरस है, आज चोट भी लगी संगीता पे? बिल्कुल डेंजरस है, लेकिन ऑप्शन क्या है सर हमारे पास में? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हमारा बिल्कुल कदर नहीं करती है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ पे क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं, और पुलिस को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये एक मतलब विश्वास है, या उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि देश के लोग हमारे साथ में हैं, ये क्या परिवार। विनेश, आपका ये भी बयान देखा, ये क्या खबर है कि आपने सुना कि कई लोग धमकी दे रहे हैं आपके जो ये लोग हैं फॉर्मर कोचेज हैं जिन लोगों को हम लोग जानते भी हैं? मेरे को खुद धमकी मिली हुई है सर, उन्हें आपको मेरे को खुद टोक्यो के बाद, मैं जब प्रधानमंत्री जी से मैं मिली थी, मैंने उनकी शिकायत की थी ब्रजभूषण की, उसके बाद मैं कंटिन्यूसली, मेरे को इतना पुश किया गया कि नेता से मिलो, नहीं तो तुम लखनऊ कैंप में रहते हो, पंगा लेना ठीक नहीं है, इतने बाहुबली हैं और मरवा देंगे, कैरियर खत्म कर देंगे। अभी अब आगे तो क्या होगा विनीश, यहाँ से 7 दिन आगे क्या होगा? जो सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को बुलाया दोबारा, आप कुछ नहीं होगा सर, हम तो बैठे हैं इधर ही, ट्रेनिंग एक टाइम कर पा रहे हैं, कर लेंगे और जिंदा तक तो जैसे पहलवान हैं, उन पहलवानों से आप लोग जानते हैं हम लोग किस तरह से फॉलो करते हैं इसको, और उम्मीद करते हैं कि आपसे ओलंपिक से एशियाड में हम मेडल देखें। देखो सर, उम्मीद तो हमारी भी वही है, ये नहीं थी हमारी कि हम लड़ाई करके हम अपने घर पे बैठ जाएंगे, और हम शहीद कहलाने के लिए यहाँ पे आए थे, सही बताऊँ तो सिर्फ इसीलिए आए थे कि हमारा भी एक जो करियर मेरा भी खुद का बचा हुआ है, वो भी मैं बिल्कुल फ्री माइंड से होकर मैं खेल सकूँ। 2 ओलंपिक्स में मैं जा चुकी हूँ, अगर ये बंदा यहीं पर रहा ना तो मैं नहीं खेल सकती ओलंपिक्स, मैं नहीं जीत सकती वो ओलंपिक्स, मुझे पता है। वहीं जिनके ऊपर ये सब आरोप लग रहा है, बृजभूषण शरण सिंह जो कि सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी और WFI के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उनकी तरफ से एक सफाई सामने आई जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं हर निर्णय का स्वागत करता हूं, न्यायपालिका का सम्मान करता हूं। दरअसल कल ही बृजभूषण शरण सिंह ने थोड़ा कविता गा करके भी अपनी बात कही थी, तो आज फिर उन्होंने बयान दिया। और मैंने हर नियम कानून को माना था, और इन लोगों को इंतजार करना चाहिए था, इंतजार नहीं किए और सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, एक फैसला दिया, और हम तो न्यायपालिका का सम्मान करते हैं लेकिन ये
नहीं मानेंगे। हम कह रहे हैं कि मैं हर निर्णय का स्वागत करता हूँ। सरकार ने जो निर्णय लिया उसका स्वागत किया, आईओ ने जो जांच कमेटी बनाई उसका स्वागत किया, जो ओवरसाइट कमेटी बनी उसका स्वागत किया, अब मैं इसका भी स्वागत करता हूँ, क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा है, अपने कर्म पर मुझे भरोसा है, मैंने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया है और मुझे इंसाफ मिलेगा। मैं न्यायपालिका के निर्णय से खुश हूँ और बेहद प्रसन्न हूँ, और दिल्ली पुलिस को जांच मिली है और जांच में जहाँ भी मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, और न्यायपालिका से बड़ा कोई नहीं इस देश के अंदर, और मैं भी न्यायपालिका से बड़ा नहीं। उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है, FIR लिखने का आदेश हुआ है, यद्यपि सरकार की तरफ से कहा गया था कि FIR लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, और FIR लिखी जा चुकी होगी या लिखी जा रही होगी, और मैं सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं हूँ, मुझको मैं उस फैसले का स्वागत करता हूँ। तो ये आपने देखा खिलाड़ियों का क्या कहना है, आपने सुना बृजभूषण शरण सिंह का क्या कहना है, मामला अब अदालत में चला गया है, अदालत ने कहा है कि अदालत में ये कहा गया है कि इसमें FIR करा लेते हैं, खिलाड़ियों का ये कहना है कि हमें FIR पर भरोसा नहीं है। इस सब के बीच में आपको आइए ये दिखाते हैं कि जो प्रदर्शन चल रहा है वहाँ पर पहलवान कर क्या रहे हैं। पहलवान अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे हैं क्योंकि इनको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, उम्मीद है कि आगे वो खेलें ताकि परफॉर्मेंस खराब ना हो। सुबह ये उठ करके वहीं रहते हैं और सुबह उठ करके वार्म अप भी वहीं करते हैं। इनकी नज़र आगे के मुकाबलों पर भी है और इन्हें भरोसा है कि वो जीत कर यहाँ से जाएंगे और आने वाले मुकाबलों में भी जीतेंगे। तो देखा आपने खिलाड़ी किस तरीके से अभी भी लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये लड़ाई अभी भी आगे जारी है। सच क्या है और गलत क्या है, अब ये मामला अदालतों में है, एक कार्रवाई होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी और उसमें चीज़ें पता रहेंगी, चलेंगी ढंग से। लेकिन क्या इस तरीके से, और एक मूल प्रश्न है और वो यही है कि क्या इस तरीके से कोई भी देश अफोर्ड कर सकता है कि उसके खिलाड़ी जो हैं वो व्यवस्था के खिलाफ आकर के खड़े हो, सड़कों पर सोएं, सड़कों पर धरना दें, प्रैक्टिस करें, क्या ये सही है? सच्चाई क्या है उस पर यहां पर कॉमेंट्री हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ बोला जा रहा है, प्रशासन की तरफ से कुछ बोला जा रहा है, खिलाड़ी कुछ और कह रहे हैं। हम जज और ज्यूरी नहीं है, जो है वो जल्दी से इस पर निर्णय सुनाए क्योंकि ये हमारे खिलाड़ियों की जगह, जो हमारे खिलाड़ी हैं उनकी जगह सड़क नहीं, फुटपाथ नहीं, उनकी जगह वो रिंग है, वो मैदान है जहां पर वो अपनी प्रैक्टिस करें और देश का नाम रोशन करें। मनीषा मल्होत्रा जी हैं, पूर्व टेनिस खिलाड़ी, उनसे हमने इस पूरे मसले पर बात की, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जांच जो होनी चाहिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट और फेयर जांच होनी चाहिए, आज खिलाड़ी है कल कोई खिलाड़ी के साथ ही नहीं हो। जो भी ये आरोप है सेक्सुअल हरासमेंट, ये बहुत सीरियस आरोप है और जो भी कोई बोलेगा इसको बिल्कुल जांच करना चाहिए और बिल्कुल फेयरली असेस करना चाहिए। जैसे कि कोई बड़े लोग से कोई किसी को भी कुछ ऐसा होना नहीं चाहिए कि उन पे कुछ दबाव है, कुछ प्रेशर है कि वो कुछ ट्रूथ से अलग, जो जो सच है वो उससे अलग कुछ बोले। ये बहुत खराब चीज है और जो स्पोर्ट्समैन है और जहां अब स्पोर्ट्समैन के जो फेडरेशन या पावर में जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स है उनकी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम जो भी एथलीट आए उनको सेफगार्ड करें और उनको एक एवेन्यू होना चाहिए, अगर उनको सिखाना जाना चाहिए जो ये क्या होता है, कैसे कैसे क्या कर सकते हैं अगर उनसे उनके साथ कुछ खराब ऐसे सेक्सुअल हरासमेंट के चीज होते हैं। स्पोर्ट्स सीन में हो रहा है, कल कॉर्पोरेट में होगा, वहां जो कर रहे हैं लोग वो फायदा तो उठा ही रहे हैं उनका पोजीशन का, जो भी पावर जिसके पास भी पावर है और जो ये चीजें कर रहे हैं
उनके वो कहां भी हो वो तो फायदा तो उठा ही रहे हैं। मुझे लगता है कि जो जो फेडरेशन है उनको उनको पहले जो जो पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स है उनको मिक्स करना उतनी अच्छी चीज नहीं है, और जब पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स मिक्स हो जाते हैं तब बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और स्पोर्ट्स एक बहुत प्योर चीज है और स्पोर्ट्स में हम बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं जो जो लाइफ के लेसन हो, और स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से बहुत दूर रखना चाहिए।